अरे खुशी बहुत है भाई, अभी देखो जलवा कुछ और होगा, 24 आ रहा है और बस थोड़ा पेशेंस रखे मनीष भाई। एक यूट्यूबर नेता नहीं बन सकता है, ये किस कानून और किस इतिहास द्रोही कैसे हो गया इतने बड़े? उस हिसाब से तो बहुत बड़ा प्रकरण है भाई आपके बिहार में हुआ है मुख्यमंत्री जी द्वारा। छठी मैया की कृपा है और छठी मैया की कृपा रहे तो और भी बहुत कुछ अच्छा है, कि ऐसे युवा अगर आगे नहीं आए, और युवाओं को आने देना चाहिए। अब चाचा जी जो है कब तक बैठेंगे, भतीजा को मुख्यमंत्री? जब से मनीष कश्यप पर से एनएसए हटा है लगातार जो है खुशी का माहौल सारे जगह। आई है, बातचीत करेंगे हमारे साथ महिला विकास मंच से बीना मानवी जी है। मनीष कश्यप पर से जो एनएसए धारा हटा है क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। कल दिवाली का धमाका सबके घर में खूब बढ़िया से दिए जलाए जाएंगे, और जो चीज गलत थी लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, सच परेशान हो सकता है परास्त नहीं हो सकता। और इन 7 महीनों में उस बंदे ने बहुत एक्सरसाइज किया होगा जेल के अंदर, और ये जो हमारा क्या छठ के बाद ही वो बाहर आने की उम्मीद नजर आ रही है उनके, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से एनएसए अभी हटा, इसका मतलब ये था कि एनएसए में दम नहीं था जो धाराएं लगी थी, या जिस नहीं, एनएसए में दम है, एनएसए गलत था, वो एनएसए जिस चीज को आधार बना के लगाया गया था आधार गलत थी। हाँ हाँ डेफिनेटली गलत थी। अब भाई वो देशद्रोही कैसे हो गया इतने बड़े? उस हिसाब से तो बहुत बड़ा प्रकरण है भाई आपके बिहार में हुआ है मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी महिलाओं के लिए। एनएसए ही होता है, पूरे बिहार में जितना बलात्कार होता है, जितनी हत्याएं होती है जिसको कि सुसाइड बताया जाता है, और वो जितने लोग होते हैं वो रेपिस्ट रहे या हत्यारे, बड़े मजे से आप भी आवाज उठा रही थी मनीष कश्यप को लेकर के निर्दोष है निर्दोष, अब क्या लग रहा है कितना खुशी है? अरे खुशी बहुत है भाई, अभी देखो जलवा कुछ और होगा, 24 आ रहा है और बस थोड़ा पेशेंस रखे मनीष भाई। आप अगर मुझे देख रहे हैं, अपने शॉर्ट टेम्पर को कंट्रोल करके रखने की जरूरत है मनीष को, और वो अगर कंट्रोल हो गया तो फिर भाई बहन मिलके जलवा दिखाएंगे ना, काहे परेशान हो रहा है। रिपोर्टिंग में कोई कमी तो नहीं आएगी मुझे लगता है? नहीं नहीं, रिपोर्टिंग पे कौन रोक लगा सकता है? रिपोर्टिंग पे उनका अधिकार है, मतलब वो स्वतंत्र हैं बोलने के लिए कोई भी बात। हाँ, कोई भी ऐसा बात किसी भी रिपोर्टर को नहीं बोलना चाहिए जिससे द्वेष फैले, जिससे पर्सनल दुश्मनी डेवलप हो। लोग पर्सनल टारगेट करके अगर किसी को बोलते हैं, आप लोग बोले या मैं बोलूं, तो पर्सनल टारगेट कभी भी कोई भी प्रकोप ले सकता है। ये सबक है तमाम उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी द्वारा छाए रहें चाहे बोलने द्वारा छाए रहें, तो उन लोगों के लिए सबक है, किसी को भी पर्सनल टारगेट मत लीजिए। कौन कहा कब प्रकोप गिरा देगा, दूर तक कोई ठीक नहीं। हाँ, यानी कुल मिला के देखा जाए तो मनीष कश्यप पे जो एनएसए धारा लगाया गया था वो गलत साबित हुआ? हाँ वो तो गलत हुआ भाई, माननीय न्यायालय ने किया, हम और आप कौन होते हैं करने वाले? अरे पहले नहीं हटा, उसका एक सीमा होता है ना, 3 मंथ्स के बाद क्या मुझे तो कानून पर। हाँ कुछ कानून के साथ खेला गया, फिर कानून का खिलवाड़ तो अच्छा, मनीष का कश्यप इतने दिन जेल में रहे तो इसका भरपाई कौन करेगा? सरकार तो लगा दी कि एनएसए तो आखिर सिद्ध क्यों नहीं कर पाए? अब हम तो नहीं करेंगे इसका भरपाई, जिन्हें करना है उनसे जाके पूछिए कि भाई बेफजूल का जो ये एनएसए लगाया गया था छोटी सी बात पे, तो एनएसए लगाया किसी व्यक्ति को आप इतने दिन जेल में रख दिए, एक तो मानसिक प्रताड़ना है, शारीरिक आर्थिक प्रताड़ना, सबसे बड़ी बात वो पूरी तरह बर्बाद, उसके सारे चीज आपने लॉकर, छोटी सी चीज कितना बड़ा बात का बवंडर बन गया, ये चीज नहीं होना चाहिए था। सारी दुनिया जानती है कि ये गलत हुआ था। मनीष कश्यप को लगातार ट्रोल किया जाता कि देशद्रोही है, रिलाई करते थे ये सब जो है, कभी शिक्षा विभाग में घुस जाते, कभी स्वास्थ्य विभाग में, तो क्या फिर से उसी प्रकार से आएंगे और बिना मान भी उसी प्रकार से उनका सपोर्ट करेंगे? नहीं नहीं, इस बार मैं बोलूंगी कि भाई ऐसा है ना, सारी दुनिया अपने के लिए जी रहा है, जितने MP MLA विधायक हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं आपके, उसमें से कुछ प्रतिशत, मैं सबका नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो क्रिमिनल भी हैं, जो मर्डरर भी हैं, जो रेपिस्ट भी हैं, ऐसे भी मैं जानती हूँ कुछ लोगों जिन पे रेप का भी केस चल रहा है, और वो मंत्री और विधायक बन के बैठे हुए हैं, और जो भ्रष्टाचारिता में तो खैर 90% ले लीजिए। तो अब ये बताइए, जब ऐसे ऐसे लोग मंत्री बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, और हमारे समाज के को चलाने का बीड़ा उठा सकते हैं, तो हम और वो और या कोई भी तो समाज सेवी के तौर पे स्वच्छ काम कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई सरकारी तंत्र नहीं होता, हम अपने तंत्र से समाज की मदद कर रहे हैं,
तो क्यों नहीं है, उसको आना चाहिए, एकदम आना चाहिए मनीष को पॉलिटिक्स पार्टी से टिकट पता है। पहले तो वो निर्दलीय खड़ा हुआ था और ये हर कोई जानता था, कोई छुपी छुपाई, एक यूट्यूबर नेता नहीं बन सकता है, ये किस कानून और किस इतिहास में लिखा है बताइए। हमने जो देखा था मनीष कश्यप जी का, हम लोग जा रहे थे भागलपुर, आप वहां तो नहीं देख रहे थे कि किसी पार्टी का कोई ऑर्गेनाइज भीड़ नहीं था, एक जगह उतरा बंदा एक आवाज उठाता है, क्योंकि लगातार जो कहलगांव वाला रास्ता है वो गड्ढे में सड़क है, सड़क पे गड्ढा नहीं है, पूरा इतना ज्यादा गड्ढा था वो उतरा, वहां हमें नहीं दिखा कि कोई ऑर्गेनाइज किसी पार्टी के लोग आ रहे हैं। मतलब मिनट में जितने लोग सड़क पे जा रहे हैं सब लोग रुक के मनीष जी से गुहार लगाने लगे, ये बनवा दीजिए, ये सालों से ऐसा है। तो एक बंदा जो आवाज उठाता है उसको आवाज बंद करने वाले लोग भले आ जाएंगे लेकिन वो बंद होगी नहीं, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, पब्लिक बंद होने भी नहीं देगी। ये पब्लिक का ही डर होगा या फिर न्यायालय की नजर वहां गई होगी कि ये बंदा आवाज उठाता है, ये गलत नहीं है। तो क्या लगता है जेल से आने के बाद संसद तक पहुंचेंगे मनीष? संसद तक पहुंचे ना पहुंचे लेकिन इलेक्शन में प्रखर रूप में मनीष को आना चाहिए, ये तो मैं जरूर चाहूंगी कि ऐसे युवा अगर आगे नहीं आए, और युवाओं को आने देना चाहिए। अब चाचा जी जो है कब तक बैठेंगे, भतीजा को मुख्यमंत्री बना दे, युवा है, यंग है, एनर्जेटिक है, तो कुछ भी है तो उनसे तो बेटर होंगे, उसी तरह ये भी युवा है, इसको भी। लेकिन हम लोग मनीष कश्यप का न्यूज़ चलाते हैं तो नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप को, वो तो भावना है, देखिए वो तो भावना है लोगों की, तो भाई बन ही जाए, कौन जानता है कब, भाई ये दुनिया कोई जनता को कोई नहीं, वो भगवान का रूप होते हैं, कब वो अपना पावर दिखा दें, ताकत दिखा दें, कोई जानता है? वो ठीक है, जो फैन एंड फॉलोअर्स कभी आपके वोटर्स नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ। फैन एंड फॉलोअर्स कौन लंदन से कर रहा है, कौन पेरिस से कर रहा है, उसको इलेक्शन लड़ना है बेतिया में, हाँ तो अब बेतिया के लोग कितना उसको पसंद करते हैं उस पर ना डिपेंड करता है। अब पटना का मान लीजिए लिख रहा है सीएम, सीएम उसे क्या फर्क पड़ जाएगा, इसलिए उसको देख के अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है फैन एंड फॉलोअर के काम। अगर मनीष इलेक्शन लड़ेंगे मनीष कश्यप तो क्या बीना मांडवी जाएगी प्रचार में सपोर्ट करेंगे? प्रचार में क्या जाएंगे, हम साथ साथ रहेंगे, हम प्रचारक थोड़ी बनेंगे किसी के, लेकिन भाई है मेरा तो उसके साथ जरूर आवाज उठाएंगे कि भाई इसको जिताना चाहिए, इसको मौका देना चाहिए, है ना। क्या लगता है छठी मैया कृपा हुआ? एकदम छठी मैया की कृपा है, और छठी मैया की कृपा रहे तो और भी बहुत कुछ अच्छा होगा। अच्छा दिवाली में क्या पटाखा छोड़ेंगे मनीष कश्यप? देखिए दो दो पटाखा छूटा दिवाली में, एक छूटा नीतीश जी के द्वारा एकदम विस्फोट किए धमाकेदार बिल्कुल, देखिए मनीष के थ्रू गिफ्ट मिला धनतेरस, वो छूटा कौन सा वाला पटाखा जिसमें बहुत बारूद होता है, जो बहुत हानिकारक होता है, विषैला पटाखा था, तो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वेलकम किया लक्ष्मी जी का और धमाका दिया। अब एक फटाका और फूटा है, वो है मनीष का, ये है सद्भावना का, प्यार का, एकता का, तो फटाके के भी अलग अलग कलर, फुलझड़ी छूटी है, मनीष को फुलझड़ी से काउंट कीजिए आप, और वो तो विस्फोटक था, धनतेरस का बहुत बड़ा गिफ्ट मिला। हाँ ऐसा नहीं लगता है कि मनीष कश्यप के नाम हर कोई को दिया जलाना चाहिए दीपावली को? देखिए नहीं ये चीज भावना है, अब ये चीज मैं अपने मुंह से क्यों अपील करूं कि आप मनीष कश्यप के नाम पे दिया जलाइए, ये सब बेवकूफी वाला बात हो जाएगा, लोग बोलेगा हाँ मतलब दूसरे जहां राम के लिए दिए जल रहे हैं, अब एकदम से आप कनेक्ट कर दीजिए चीजों को इंसान से, वो सही नहीं है ना, जो सही नहीं है वो सही नहीं है। लेकिन उनके भाई जो खुशी मना रहे थे, वो खुशी था, वो मनीष कश्यप का एक दीप मनीष कश्यप के लिए जलाइए। अच्छा वो ठीक है, भावना है ना, अब जहाँ लक्ष्मी जी को दीप जलाने का दिन है और वहाँ हम उनसे तुलना कर ले मनीष का, तो ये चीज ये भावना में बहना नहीं है, मैं बार बार क्या बोलती हूँ, भावना में बहना नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं बोलना है जो लगे कि बड़बोलापन है, भाई उतना ही बोलिए जितनी की जरूरत है, हम पूर्वजों से भगवान से तुलना इंसान की करने लगे तो ये हमारा शास्त्र हमारा धर्म नहीं कहता ना। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, बीना मांडवी जी ने स्पष्ट किया कि मनीष के लिए हम, मेरा भाई है मनीष और हम हमेशा खड़ा रहेंगे मनीष के लिए, अगर इलेक्शन लड़ता है तो उसमें भी हम जाएंगे और उसके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में जरूर बताएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।